नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से एक बड़ी खुशखबरी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निकल कर आई है, तो उसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा जो 1 सितंबर 2014 के बाद के रिटायरीज है तो उनको जो है वो एक बड़ी इंटरिम रिलीफ जो है वो अलाउ की है। तो जी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा ये जो बड़ा फैसला यहाँ पर सुनाया गया है, तो उसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। साथ में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले में क्या क्या कहा गया है, तो वो भी अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा ये जो इंटरिम रिलीफ अलाउ किया गया है, तो इसकी जो ऑर्डर कॉपी है तो उससे भी जो है वो भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, ताकि ये जो बड़ा अपडेट हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से यहाँ पर निकल कर आया है, तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। और ये जो ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है, तो इसकी जो ऑर्डर कॉपी है, तो उसे जो आप डाउनलोड करके अपने रेफरेंस के लिए जो है वो रख सके। तो जी दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इसी तरह के अपडेट जो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा ये जो इंटरिम रिलीफ पोस्ट 1 सितंबर 2014 के जो रिटायरीज है तो उनके लिए अलाउ की गई है, तो उसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जैसा यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट अलाउ इंटरिम लीव टू पोस्ट 1 सितंबर 2014 रिटायरीज अंडर ईपीएस 95। तो जी दोस्तों, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा ये जो बड़ा फैसला है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में 15 सितंबर 2020 को दिया गया है, तो इसका जो राइट पिटीशन नंबर है 3175/2020, और यहाँ पर इससे पहले 2222/2018 के अंतर्गत जो इंटरिम रिलीफ यहाँ पर 12 दिसंबर 2018 को अलाउ किया गया था, तो उसी के बेसिस पर यह जो इंटरिम रिलीफ है वो अभी जारी किया गया है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर इस ऑर्डर में क्या कहा गया है तो वो भी अभी हम जान लेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सिविल राइट पिटीशन है, तो उसका नंबर है 3175/2020, जिसे अलाउ किया गया है 15 सितंबर 2020 को। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो सुनवाई है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है, तो यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है तो उनके बारे में भी पूरी जानकारी दी हुई है। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर में क्या कहा गया है तो वो अभी हम जान लेते हैं। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि लर्न काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट और पिटिशनर हैज पॉइंटेड आउट दैट इन आइडेंटिकल राइट पिटिशन नंबर 2222/2018 अलॉन्ग विद connected matter and interim order has been passed in favor of petitioner therein. This fact has been endorsed by appearing counsel. Being so, the petitioner is also entitled for the same interim order being similarly situated person. Therefore, in present case also, in view of the fact that the Employee Pensions Amendment Scheme 2014 notified on 22nd August 2014 has already been quashed by a division bench of Kerala High Court, the respondent shall continue to pay the revised higher pension to the petitioner subject to condition that in case the right petition fails, the respondent shall be entitled to recover the excess amount out of the future arrears of pension list on 6th of October 2020 along with main petition date already fixed for service of respondent number 2 and 3. Reply on behalf of appearing respondent also be filed in the meanwhile. तो जी दोस्तों, 15 सितंबर 2020 को यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा ये जो बड़ा अपडेट निकल कर आया था, तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। तो जी दोस्तों, यहाँ पर इस ऑर्डर में क्लियरली कहा गया है कि इससे पहले 2222/2018 के अंतर्गत जो इंटरिम रिलीफ अलाउ किया गया था, ऐसा ही सेम मामला यहाँ पर ये जो पेटेशनर है तो उनका भी है, इसलिए यहाँ पर उनको भी सेम इंटरिम रिलीफ जो है वो अलाउ किया जाए। और साथ में यहाँ पर ये जो पेटेशनर है तो उनकी तरफ से जो भी रिटेंशन की अमाउंट बनती है, तो उसे जो है वो रिस्पोंडेंट की तरफ से यहाँ पर रिकवर करने के लिए कहा गया है, और ये जो पेंशन के एरियर बनते हैं तो उनको यहाँ पर पे करने के लिए भी इस ऑर्डर में कहा गया है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
द्वारा ये जो ऑर्डर यहाँ पर पारित किया गया है, तो इसे डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देकर रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके ये जो आर्टिकल है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा ये जो जजमेंट दिया गया है, तो उसे डाउनलोड करने के लिए एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको किस तरह से ये जो ऑर्डर की कॉपी है वो डाउनलोड करना है, तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो चलिए अभी यहाँ पर ये जो लिंक दिया हुआ है तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको किस तरह से यहाँ पर जो वो कॉपी डाउनलोड करनी है तो वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। तो ये देखिए, लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो डाउनलोडिंग की प्रोसेस है तो वो आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक लिंक जो है वो मिल जाएगा, क्लिक हियर टू गेट लिंक पर आपको जो है वो क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है वो ये जो 15 सेकंड का टाइमर है तो वो आपको आ जाएगा। ये टाइमर कंप्लीट होने के बाद जो आपको यहाँ पर ये जो ऑर्डर की कॉपी है तो उसे डाउनलोड करने के लिए एक लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो टाइमर है वो खत्म होने के बाद जो है आपको यह जो लिंक है वो मिलेगी। तो जी हाँ, यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये जो टाइमर है वो खत्म हो गया और आपको यहाँ पर ये जो लिंक है तो वो मिल गया है। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो ऑर्डर की कॉपी है तो वो डाउनलोड हो जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो ऑर्डर की कॉपी है तो वो डाउनलोड हो गई है। इस ऑर्डर की कॉपी को जो है वो आप आपके रेफरेंस के लिए सेव करके भी रख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर EPS 1995 पेंशन धारकों के हक में हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा ये जो बड़ा इंटरिम रिलीफ अलाउ किया गया है, तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी साथ में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा ये जो इंटरिम रिलीफ EPS 1995 पेंशन धारकों के हक में जो 1 सितंबर 2014 के बाद जो है वो रिटायर्ड हुए हैं तो उनके हक में यहाँ पर दिया गया है। तो जी दोस्तों, ये जो बड़ा अपडेट हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से जो EPS 1995 पेंशन धारक है तो उनके लिए निकल कर आया था, तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा EPS 95 पेंशन धारकों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के इस फैसले के बारे में सभी EPS 1995 पेंशन धारकों को पता चल सके। और आप सभी जानते हैं कि इसी तरह के अपडेट जो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।